कि ये पूछा जाए। अच्छा मुनीब, आपको भी मैं देखता हूँ माशाल्लाह फिटनेस कॉन्शियस हैं आप, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं। पहचाना मुझे? नहीं पहचाना? नहीं, अभी तो मैं उस तरफ गया था। अच्छा बैठिए ना यार, मेरी एक बात याद रख। हाँ, ट्राई टू रिकॉग्नाइज मी। आप, मैं बताता हूँ। हाँ, आप जिम में आए थे। जी जी, आते ही आपने अपना अपर उतार के सोफे पे फेंका था। हैं? हाँ। जिसके मुंह पे लगा था। मैं ही था। हाँ हाँ हाँ। सर आप वो जिम ट्रेनर याद आया? टिमी। टिमी, यस। जब आप जिम से निकल रहे थे, मोटरसाइकिल को केक मार रहे थे, धुआं जिसके मुंह पे गया, एक आवाज आई थी। क्या? पैन स्टैंड थे चुको। वो मैं ही तो था। अब याद आया, आ जाए यार, गले लग जाए यार। बहुत अरसे के बाद हम गले मिले हैं। गले मिलने का कहा है, पेट से मिलने का नहीं कहा यार। बैठे बैठे। अच्छा टिमी सर, ये आप ट्रेनर हैं मगर माशाल्लाह से आप एक बड़े पेट के मालिक हैं। जी, किस किस्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अपना पेट? देखिए मैं हर चीज का, मैं आता हूँ वन बाय वन करके। हाँ। यहाँ ये दोनों मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं दोनों का उस्ताद हूँ। अच्छा, दोनों को फिट मैंने किया है। आप लोग एक बात को याद रखें, अब ये मैं चावल बिरयानी खा रहा हूँ, आप खा रहे हैं, ये मैं अपनी डाइट का ख्याल रख रहा हूँ, ये मेरी फिटनेस का राज है। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। वाकई आप पेट पे रख के भी खा सकते हैं? यार आप मजाक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये चावल से कभी आपका वेट नहीं बढ़ता। फिर क्या बढ़ता है? पेट बढ़ता है। और पेट को कंट्रोल करना कौन सा बड़ा मसला है? अपने पैर के ऊपर ईंट मारो, पेट अंदर, दरवाजे में हाथ दो, पेट अंदर। हाँ। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ। लोगों को डाइट का पता नहीं है। हाँ। आप ताबिज सुबह सुबह उठें, निहार पेट, गरम दूध का गिलास लें, उसके अंदर दो कच्चे अंडे फेंट के, कच्चे अंडे, ठीक है, और वो अंडे जो मुर्गी ने जल्दी में ना दिए हों, वो फिर छोटे रह जाते हैं, वो आपने फेंट के पी जाना है, ठीक है, फिर क्या होगा? ऐसी मजे की नींद आएगी आपको। हाय हाय हाय। अच्छा, अगर नींद ना आई तो वॉमिटिंग आ जाएगी, मगर कुछ आएगा ही यार, क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। इंसान को पता नहीं होता ना। आप ये देखे ना अनुषे जी, जी ये मेरा कमाल है। क्या, कैसा स्मार्ट कर दिया इनको आपने, किया है? और नहीं तो क्या, मुझे बताएं क्या स्केड्यूल है इनका? और बगैर एक्सरसाइज करवाए। आपको याद होगा मैंने आपको कोई, मैं सिर्फ क्या करता था ताबिज, इनको बुरी खबरें सुनाता था। जैसे कि, जैसे कि, जैसा कि मैं इनको बताता था, देखना ये सोना और महंगा होगा, ये परेशान हो जाती थी। डॉलर वापस पीछे नहीं आना, ये परेशान हो जाती थी। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता श्रीलंका बन जाएगा, ये और परेशान हो जाती है। खुद ही सोचती रहती थी पाकिस्तान श्रीलंका बन गया तो फिर श्रीलंका की टीम की तरफ से कौन खेलेगा, पाकिस्तान खेलेगा ये श्रीलंका खेलेगा तो फिर क्या होगा, राणा टूंगा जो है वो क्या राणा सनावला बन जाएगा, राणा सनावला क्या राणा टूंगा बन जाएगा। सोच सोच के ये परेशान हो जाती थी बहुत। हाँ जी, कितनी बार कहा यार बीच में ना बोला करो, क्या हुआ? ताबिश का ऐप भी नहीं चल रहा। हेलो, ए शॉर्ट सर्किट क्या भाई? उठिएगा, इस डोर से निकलिएगा, शॉर्ट सर्किट इधर बाहर, शॉर्ट सर्किट हो गया। एक ये 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 भी एक तरीका होता है टेंशन लेने का। इससे भी न्यूज होता है। किसी तरह का कोई क्वेश्चन? मैं पूछता हूँ फिटनेस से रिलेटेड। आप ये मुनीब भट्ट जो है वो शहबाज शरीफ की बहुत अच्छी नकल उतारते हैं, आपने शहबाज शरीफ को भी ट्रेन किया हुआ है, वो क्या करते थे ट्रेनिंग, आप कैसे उनको कैसे? उनकी पूरी नहीं, मैंने सिर्फ उनकी उंगली की ट्रेनिंग करवाई थी, कैसे? बाकी का काम उन्होंने सारा खुद कर लिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं समझता हूं कि जो जो मुझे मानता है वो ठीक है, जो नहीं मानता उन्हें मैं नहीं। बस 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 बस, हो गई ट्रेनिंग, हो गई, हो गई। बन गया पाकिस्तान, बन गया। अरे आप इधर ही बैठना, मैं बस शो क्लोज कर दूं। इजाजत है, इजाजत। मेरा पब्लिसिटी भी आपने करनी है कि ये नंबर वन ट्रेनर है। एक शर्त पे करूंगा, अगर आप अभी चले जाए, अभी चला जाए, अभी चले जाना, मैं उस वक्त करूंगा ऐलान, आपके प्रमोशन करूंगा। हेलो, हाँ, 5 लाख 1 महीने का कम अज कम
नहीं नहीं मैं दूंगा पतीरा को रोको वो मेरे जेब में आई ये रोको पतीरा को फौजी रजात ये था आज का सामना है मेरे साथ मौजूद थे मुनीब भट्ट और अनुषे बासी बहुत मजा आया मुनीब के हमले अनुषे की स्टिंग की वेडिंग और चिराग को उर्दू में लोटा कहते हैं इन बातों से पूरा शो महक सा उठा 11:55 हो रहे हैं आपकी घड़ियों में वो भी रात के आपकी आंखों में मैं देख रहा हूँ कि सोने की कोई तैयारी नहीं है मगर जल्दी सोइएगा क्योंकि सुबह उठना है पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है गुड नाइट अल्लाह हाफिज़।